बच्चा आ गया है आज, क्या बताएं। और आज हमारी बेटी भी खुश है। आज हम लोगों का खाना जो है दूध से है, हम और मेरी बीवी आज बहुत ज्यादा दूध मिला है इसको, दूध पी रही है, उधर भी गर्म हो रहा है दूध। दोस्तों आज हमारे घर दो दो जगह से दूध मिला है, और क्यों मिला है ये भी मैं बता देती हूँ आप सभी को। एक दूध मिला है गाय का और एक मिला है भैंस का। और हमारे गांव में मतलब घर के पीछे मतलब गांव है, जो कि वहां पे एक मतलब हमारी सास लगती है, उनका भैंस एक बच्चा दी है। तो बोले हैं हमारे गांव में जो बच्चा जब देती हैं, जो दूध फर्स्ट आता है उसको इनरी बोला जाता है, वो जमाते हैं। तो बोली इनरी खाओगी, तो मैं बोली कि दे देंगे तो खाएंगे, ज्यादा खाएंगे नहीं। तो बोली है कि चलिए ठीक है, शाम को गाय लगेगी तो हम भिजवा देंगे, तो जब सॉरी भैंस लगेगी तो भिजवा देंगे। तो भैंस लग गई है और उधर हम गैस उधर देख सकते हैं, रखा हुआ है, जल रहा है। और ये वाला दूध जो है, ये वाला गाय का दूध है, ये हमारी भाभी जो है, वो इनकी भाभी हैं। और हमारी मतलब पकड़ा कसके जरिया मत जेठान है। इनकी जेठान लगी है, हमारी भी मतलब दीदी हैं, जेठानी मतलब बोला जाता है ना, हमारी दीदी। तो आज हमारे घर में दूध हो गया है बहुत ही ज्यादा, और मतलब खाने में मजा आ गया है आज, क्या बताएं। और आज हमारी बेटी भी खुश है। आज हम लोगों का खाना जो है दूध से है, और आप लोग दूध खाते हैं कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। और अपने लिए लेकर आई है दोस्तों रस, डेट फ्रूट लेके आई है मेरी बेटी, डेट फ्रूट अम्मा कॉल रहा है, डेट फ्रूट तेन कर तो इसलिए रखना रस आ जाए दोस्तों, जैसे ही खाना नहीं बनाना पड़ेगा इसलिए रस लाए, तो खाएगी अपना। तो बोल दीजिए तो दोस्तों, आप लोग का दूध पीना है तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ढेर दिन के बाद मैं दूध पी रही हूँ गाय का, नारियल का दूध पीती थी, लेकिन कभी कभी मिल जाता है। अगर शुद्ध गाय का दूध है तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर जो शुद्ध नहीं है पैकरिया वकरिया वाला हो या पैकेट वाला है, वो दूध नहीं पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ठीक है, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा।